नमस्कार दोस्तों, गुरु टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो हमारा इधर है A7 Mi FW डाउनग्रेड रिक्वेस्ट मिस पॉलीलॉक फेल्ड। सो यहाँ पे सिंपली करना क्या है, आपको SP110652 किसी भी ब्राउज़र पे जाके टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको इंटर करना है, जो सबसे पहले वाला लिंक आएगा उस लिंक पे जाके आपको इंटर करना है, उस लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप से ओपन होके आ जाएगा। सो यहाँ पे जो सबसे पहले वाला लिंक है उस पे आप कुछ इस टाइप से ओपन होगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड स्क्रॉल डाउन करके डाउनलोड कर लेना है ये ड्राइवर। ये जो F7 का जो एरर है इससे सॉल्व हो जाएगा। आपका लिनोवो हो, HP, डेल, कोई भी हो, लैपटॉप और डेस्कटॉप में सेम एरर आता है, ये डेस्कटॉप में भी बहुत आता है। तो सिंपली ये ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको हमें रन करना होगा, रन करके हम बाद में चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे दो ड्राइवर अपने को डाउनलोड करना होगा, एक तो ये और उसके बाद एक और ड्राइवर है जो भी, वो भी बायोस का ही ड्राइवर है। बायोस अपडेट करना है क्योंकि हमारा जो बायोस है वो डाउनग्रेड है। सो यहाँ पे सिंपली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारे आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद ये ड्राइवर रन हो जाएगा। तो सिंपली वीडियो को देखते रहे, मैं आपको प्रॉपर कैसे इंस्टॉल करना है। ये विंडोज़ 10, 11 कोई भी विंडोज़ रहने दो, सब में सेम काम करेगा। तो सिंपली अभी एक तो ड्राइवर हो गया इंस्टॉल हमारा, अभी HP वापस से हम ब्राउज़र पे जाएंगे, HP ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड ऐसे क्लिक करके सिंपली टाइप करने के बाद वहाँ पे सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लैपटॉप है तो लैपटॉप सेलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप। सो यहाँ से पहले ये लैपटॉप है तो यहाँ पे लैपटॉप सर्च करने के बाद आपको उसका सीरियल नंबर डाल देना है। सीरियल नंबर डालने के बाद उसको सबमिट करोगे, आप सबमिट करोगे वैसे आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे भी करना क्या है, आपको उसका ड्राइवर डाउनलोड करना है। अभी यहाँ पे OS आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में या लैपटॉप में है वो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद सिंपली अभी आगे जो है यहाँ पे हम OS सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसको सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको ड्राइवर ये शो कर देगा। यहाँ पे ऑल ड्राइवर शो हो रहे हैं, ठीक है। BIOS यहाँ पे सेलेक्ट करना है, BIOS फ्रेमवेयर सबसे फर्स्ट वाला है, उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड होने के बाद अभी इंस्टॉल भी करना है। मैं थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड किया हुआ है क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला था, वीडियो लंबा होता तो इस वजह से हमने थोड़ा सा फॉरवर्ड किया हुआ है। अभी ये ड्राइवर हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसको भी रन एडमिनिस्ट्रेटर करना है। अच्छा, ध्यान रहे इसमें ये करना क्या है, आपको लैपटॉप में आपका एडाप्टर कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो ड्राइवर है वो रन नहीं होगा। तो लैपटॉप के साथ पावर एडाप्टर कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसको रन कर देना है। आप जैसे रन करोगे नेक्स्ट ये यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन चूज़ करना है, क्रिएट रिकवरी नहीं करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ पे पूरी फ्रेमवेयर अपडेट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, सिंपली आप भी अपडेट कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक प्रॉपर देखिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा और इजीली आप भी कर सकते हो। सो ये जो हमारा एरर था A7 Mi FW डाउनग्रेड रिक्वेस्ट मिस पॉलीलॉक फेल्ड, सो यहाँ पे ये एरर अभी हमारा गायब हो चुका है। अपडेट होने के बाद सिंपली आपका सिस्टम या लैपटॉप जो भी होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और इजीली आप यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल ईजी है, इजीली आप कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।